गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और ये आप लोग का जो पार्ट जो होगा पार्ट फाइव होगा। और इससे पहले यदि आप पार्ट फोर, पार्ट थ्री जो है और इसे वन टू जो है यदि नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे देंगे। और प्ले लिस्ट में भी इनका सारा वीडियो जो है अभी तक जो चार वीडियो बनाया गया है वो आपका प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि क्या होगा कि आप लोग को लाइव क्लास जो होगा आप लोग को YouTube पर भी दे पाएंगे। और अभी जो आप लोग का लाइव क्लास चल रहा है वो आपको दूसरे साइट पर, दूसरे एप्लीकेशन पे चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं इस नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। अभी आप लोग का फ्री ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, फ्री ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर मैसेज करेंगे। चलिए आज का टॉपिक्स आप लोगों को बताते हैं, कौन सा टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट फाइव। आप लोगों का जो पार्ट फाइव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स है आप लोग का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मालूम है किसी को कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, अभी आप लोग को जो इससे पहले का वीडियो जो बताए थे उसमें बताए थे कि कोई भी जो आपका जो चार्ज जो है, जो आपका ये कोई भी चार्ज जो है इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो आपका इमेजरी लाइन जो दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ये इमेजरी लाइन जो है यही इमेजरी लाइन्स आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बताता है। इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक, इस पेन से लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज बॉडी व्हिच इज इमेजिनरी लाइन, जो क्या होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज बॉडी। और ये आपका चार्ज बॉडी जो होगा और इससे जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन, जो आपका जो इमेजरी लाइन जो निकलता है वही आपका इमेजरी लाइन करने का मतलब ये आपका जो डॉट डॉट वाला लाइन जो होगा, ये आपका डॉट डॉट लाइन वाला ही क्या करता है आपका इमेजरी लाइन कहलाता है। बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय अ इमेजरी लाइन। इमेजरी लाइन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और वैसे भी आप लोग को ये नोट्स यहाँ लिखाने के में कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को जो भी नोट्स है ना टेलीग्राम पर सब अपलोड कर दिया गया है। आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी इसका नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग यदि नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग जाकर के नोट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड यानी चार्ज बॉडी कह सकते हैं, चार्ज बॉडी के अराउंड या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चार्ज बॉडी के अराउंड
जितने भी इमेजरी लाइंस जो होगा वो इमेजरी लाइंस ही आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाता है। अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलता है, ये आपका चार्ज जो है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज होंगे नेगेटिव चार्ज से इंटर करता है, ये आपका जो नेगेटिव चार्ज जो होगा इस नेगेटिव चार्ज से इंटर करता है। तो देखिए कि पहला प्रॉपर्टीज कहता है आपका कि आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज से इंटर करता है, जब ये दोनों क्या होना चाहिए, नियरली होना चाहिए, जब ये दोनों एक नज़दीक होगा तभी यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, और यदि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक नहीं हो तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो ट्रैवल करेगा कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक ट्रैवल करता है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है एक दूसरे को कट नहीं करता है, यदि कट करेगा तो वहाँ क्या होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा किसी भी पॉइंट पर, जो पॉसिबल नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि आपका दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब ये आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये भी और ये भी आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, कहता है कि जब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करेगा तो वहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जो पॉसिबल नहीं होता है। ये जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक एक भी, ये जो आपका जो कर्व जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, उस पर केवल एक ही क्या होता है कि एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा प्रॉपर्टी यही कहता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करता है। और तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे आप लोग, देखिए ये तो था आपका दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे ये आप लोग का क्या है, स्प्रिंग है, ये आप लोग का स्प्रिंग है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब क्या करते हैं स्प्रिंग को इस तरह से दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है अपना जो लॉन्गिट्यूडनल उसका जो फोर्स जो होता है ये क्या करता है इधर धकेलता है। तो धकेलने का मतलब कहना है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब लाइक चार्ज होगा क्या करता है रिपेल करता है, लाइक चार्ज क्या करता है रिपेल करता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब क्या होगा कि दो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे या दो नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये था तीसरा प्रॉपर्टीज। चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे, चौथा प्रॉपर्टीज कहता है कि पहले इधर एक एग्जांपल पे देखेंगे कि मान लीजिए ये आपका रबर है, ये आपका रबर है, इस रबर को क्या करेंगे खींचेंगे, जब इस रबर को इस तरह से खींचेंगे तो रबर क्या करेगा वो खुद भी अपनी ओर खींचना चाहेगा, क्या करना चाहेगा खींचना चाहेगा। इसका मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज होगा एक और एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, समझेंगे सभी लोग। ये आपका एग्जाम्पल दे रहे थे और ये आपका यहाँ एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई भी जो यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किस तरह से रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से समझ गए थे कि क्या करता है ये स्प्रिंग जो होता है बाहर की ओर धकेलता है तो यहाँ रिपल्सन होता है, और ये क्या करता है ये रबर जो है जब रबर को दोनों मुंह पकड़ के खींचते हैं ये रबर क्या करता है अपनी ओर खींचना चाहता है।
तो अपनी को खींचना चाहता है, इसका मतलब क्या है, एक जो होगा छोर का नेगेटिव चार्ज होंगे और दूसरा जो होगा पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये आपका चौथा प्रॉपर्टीज था। यही तीन चार प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का। और एक प्रॉपर्टीज और है, देख लीजिए कि किसी भी चार्ज बॉडी जो होगा चार्ज हमेशा इसके स्फीयर पर होता है, चार्ज हमेशा स्फीयर पे होता है और यहाँ जो होगा यहाँ कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, इनसाइड मतलब किसी भी चार्ज बॉडी के इनसाइड अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होता है। ये था आप लोग का पांचवा प्रॉपर्टीज। तो ये आप पांच प्रॉपर्टीज समझ गए कि पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में जाके इंटर करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज यानी लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, और किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो होता है जीरो होता है, और दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। यदि कट करेगा तो वहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक्स आप लोग का, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अभी कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग अपने घर में सेफ रहेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स 80 प्लस एज के हो गए हैं वह वैक्सीन जरूर लगा लेंगे और अपने परिवार को भी वैक्सीन लगवाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे होंगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू।